हेलो दोस्तों, हरे कृष्ण। तो कैसे आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जय श्री राम। आज का दिन बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन, बहुत ही ज़बरदस्त दिन है, क्योंकि आज हम स्वयं देखेंगे भगवान श्री राम अयोध्या में आए हैं। माता जी का श्रृंगार। जय श्री राम, हरे कृष्ण। तो आज बढ़िया से करते हैं सेलिब्रेशन घर पे। आज मीठे चावल वगैरह बने हैं, मम्मी ने बना रखे हैं ना मीठे चावल। पकवान बने आज एक्चुअली हमारे घर पे सारा पकवान बने। आज राधा माधव जी कितने सही लग रहे हैं, लग रहे हैं बहुत यार। चलो भाई, अपना हो गया नहाने का टाइम, नहा के चलते हैं हम इस्कॉन। आज है 22 जनवरी, आज तो सबसे बड़ा दिन है यार। हाँ, आज भाई पूरे लंगर लगे हुए हैं, मतलब रोड पे भी लंगर चल रहे हैं आज तो, पूरी दिवाली मना रहे हैं। चलो हम इस्कॉन चलते हैं, हमने दीप भी तैयार कर लिए, दीप वगैरह लगेंगे फिर हम। चलो भाई, नहा दो के मैं हो गया रेडी, अब निकलते हैं इस्कॉन के लिए। भाई सबके घरों के बाहर झंडे लगे हुए हैं और लाइटें लगी हुई हैं यार, बढ़िया लग रहा है आज तो सारा कुछ। भाई आज इस कोन में इतनी भीड़ है ना, गाड़ियां लगी हुई हैं, मैंने भी पार्क में लगाई आगे गाड़ी, इतनी ज्यादा भीड़ है, बंद कर दे। भाई देखो दीप लगे हुए हैं दीवारों पे, गाड़ियां देखो कहाँ कहाँ तक भरी हुई हैं। भाई वैसे मैं अंदर लगाता हूँ गाड़ी, लेकिन यहाँ पे देखो सारी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इसलिए मैंने लगाई है पीछे पार्क में। ओम आपदाम हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिराम श्री राम भूयो भूयो नामाम्यहम श्री राम राम भद्राय राम चंद्राय वेदसे रघुनाथाय। रघुपति और मैंने तो लगाने के बाद यहाँ पे रख दिया दीपक। इधर इतनी भीड़ है ना भक्तों की, इतनी ज्यादा। ये देखो भाई, देखो भाई, हरे कृष्णा। थोड़ा दे दो है, बात दे दो। सॉरी दे दिया भाई,
भाई मैं तो आके ना गाड़ी में बैठ गया फटाफट, मेरे को लग रही थी ठंड बाहर, मैं फटाफट आके बैठ गया। मम्मी और अभी आ रहे हैं आराम से। यार इतना प्यारा लग रहा है ना राम दरबार, इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है ना। आपने देखा ये दर्शन किया और राधा माधव जी के भी इतने प्यारे लग रहे हैं ना, अलग ही लुक आ रही है आज तो। मैंने स्पेशल वीडियो बनाई, रुक के मैं आगे चला गया था और नर्सिंग कवच भी लिया, पता नहीं वीडियो बनी नहीं बनी उसकी, मैंने कैमरा तो ऑन कर दिया था, अब देख लेना। तो अब चलते हैं मेरे ख्याल से, अभी यार गौशाला जाना था आज, वो भी भूल गया, दिमाग से निकल गया, अब कल जाके आना है। वो मेरे ना सच में दिमाग में था लेकिन बस घर में ऐसा उलझा हुआ था ना मैं काम में, तो बस रह गया। तो कल चल के आएंगे गौशाला, क्योंकि 7:30 हो गए हैं अभी, अभी तो मेरे को लगता नहीं पॉसिबल ओपन होगी क्योंकि 7 बजे तक ओपन होती है। तो अब चलते हैं फिर हम घर। आज तो FM में भी ना राम जी के भजन लगे हुए हैं। भाई आज तो जगह जगह पटाखे फूट रहे हैं और घर इतने सजे हुए हैं यार, ऐसा लग रहा है दिवाली आ गई है, इतना बढ़िया लग रहा है ना। ओ बहन जी आ गए, बहन जी, बहन जी आ गए। ओहो बहन जी, तुम्हें कदों आए, तुम्हें कदों आए, मैं बहन जी तो देख लिया। अच्छा दे, अच्छा तो देख लिया, तो यहां के वो यार, तो सच में यार हर घर सजा हुआ है। हमने भी लाइटें लगा रखी है बाहर, हर घर के बाहर झंडे लगे हुए हैं और पटाखे फूट रहे हैं, ऐसा लग रहा है दिवाली आ गई है। ये सच में दिवाली का माहौल ही है। भाई मैं बैठ गया हूँ अब एडिटिंग करने के लिए। आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना यार, प्लीज़ बता देना, क्योंकि आज आपको मैंने दर्शन करवाए हैं राम दरबार के और राधा माधव जी के। यार मेरे को कमेंट करके बता देना कैसा लगा आपको आज का व्लॉग। कल भी नया व्लॉग आएगा, कल मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हरे कृष्णा, लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरी मोटिवेशन के लिए प्लीज़ करते रहना, करते रहो भाई, मैं भी लगा हुआ हूँ मेहनत करने के लिए।